हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। स्टार्ट करने वाले हैं विजुअल वोकैबुलरी का एक और अच्छा सा सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालते हैं दे ऑल आर एग्जाम रिलेवेंट, आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप वो वीडियो देख पाएँ। विजुअल वोकैबुलरी पढ़ाने का पर्पस यही है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स याद कर पाएँ। फिर वही बात कि आप 10-15 मिनट मुझे डेडिकेट कीजिए अच्छे से, ताकि आपको मैं ये वर्ड्स याद करा पाऊँ। मैंने कहा मेरे को देखिए विजुअल वोकैबुलरी के अंदर, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये जो फर्स्ट वर्ड है विच वी आर गोइंग टू स्टडी जस्ट नाउ, एक्सक्रूशिएटिंग, जो वर्ड मैंने लिखा है, इस वर्ड को पढ़ाने के लिए मुझे रेलेवेंट पिक्चर डालनी पड़ती है। प्लीज़ ये देखिए कि एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको वर्ड्स याद होंगे, मेरे एफर्ट्स सक्सेसफुल हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, बस ध्यान दीजिए, एक एक वर्ड को आपको लिखना है नोटबुक के अंदर। लिखने से काम नहीं होगा, क्योंकि जब दोबारा रिवीजन आप करेंगे फिर आप भूल जाएंगे वर्ड्स। तो आप क्या करेंगे, एक्सक्रूशिएटिंग के अंदर आप मीनिंग लिखेंगे, इंटेंसली पेनफुल, और आप उसके साथ जो मैंने क्लू में पिक्चर डाली है, क्राइस्ट की पिक्चर डाली है, आप वो लिखेंगे साथ में, ताकि आपको याद रह जाए कि एक्सक्रूशिएटिंग की पिक्चर आपके पास नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास उस नोटबुक के अंदर लिखा हुआ है कि मैम ने जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन को रिलेट करके वर्ड पढ़ाया था, एक्सक्रूशिएटिंग। तो ध्यान दीजिए, स्टार्ट कर रहे हैं द फर्स्ट वर्ड एक्सक्रूशिएटिंग। एज यू कैन सी द क्रूसिफिक्शन ऑफ द गॉड, जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो लगाई है मैंने। क्रूसिफिक्शन बच्चों ये है जहाँ पर क्राइस्ट है, उन्हें क्रूसीफाई किया जा रहा है। एक्सट्रीमली पेनफुल, देखिए बहुत ज़्यादा आपको पिक्चर ही बहुत पेनफुल सी है, आप रिलेट कर पाएंगे। क्रूसिफिक्शन का मतलब होता है जब नेल्स डाल करके उन्हें यहाँ पर हैंग किया जा रहा है, दैट इज़ क्रूसिफिक्शन। एक्सक्रूशिएटिंग, इंटेंसली पेनफुल, आप इस वर्ड को रिलेट कर पाएंगे क्राइस्ट की फ़ोटो के साथ। क्रूसिफिक्शन एक्सक्रूशिएटिंग, इंटेंसली पेनफुल, एग्नाइजिंग, एक्यूट, इंटेंस और वायलेंट। जीसस क्राइस्ट endured the most excruciating pain and torture to cleanse mankind of its sins. तो ये वर्ड एक सेंटेंस को भी पढ़ लीजिए, वर्ड याद हो जाएगा। वर्ड याद किया हमने, पिक्चर के साथ रिलेट किया, excruciating का मतलब हमने कहा जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन, जहाँ उन्हें लटकाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इस पिक्चर से रिलेट करके वर्ड याद करिए, excruciating। द नेक्स्ट वर्ड इज पेजोरेटिव। एक लड़की खड़ी है, ऑल द बॉयज आर देयर, दे आर पॉइंटिंग आउट। अब वो जो बच्ची है, पेजोरेटिव उसको रिमार्क्स लग रहे हैं, कान उसने बंद कर रखे हैं, इसका मतलब वो कुछ ऑब्जेक्शनेबल बोल रहे हैं, तभी उसने अपने कान बंद कर रखे हैं। तो दे आर पासिंग पेजोरेटिव रिमार्क्स, दे आर पासिंग पेजोरेटिव रिमार्क्स। पेजोरेटिव का मतलब क्या होता है, इंसल्टिंग। इंसल्टिंग है, डिस्पैरेजिंग है, डेरोगेटरी है, डेप्रिकेटरी है। देखिए मैं ये वाले वर्ड्स आपको नहीं याद करा रही हूँ अभी फॉर द टाइम बीइंग, ये वर्ड्स आपको खुद एक बार लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। मैं अभी सिर्फ इस मेन वर्ड पे ध्यान दे रही हूँ बच्चों। पेजोरेटिव का मतलब इंसल्टिंग है, ताकि जो भी 10-12-15 वर्ड्स हैं वो आपको याद हो जाएं अभी अच्छे से। तो पेजोरेटिव पिक्चर रिलेट करिए, एक लड़की, बॉयज़ हैं, दे आर पॉइंटिंग आउट टू दैट गर्ल, मैंने कहा बहुत कुछ ऑब्जेक्शनेबल बोल रहे होंगे, तभी उस बच्ची ने कान बंद कर रखे हैं। तो सैली डिड नॉट विश टू अटेंड स्कूल, शी फेल्ट ह्यूमिलिएटेड बाय द पेजोरेटिव रिमार्क्स ऑफ हर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट्स के पेजोरेटिव रिमार्क्स उनसे उसे ह्यूमिलिएटेड लग रहा था, दैट इज़ वाई वो स्कूल अटेंड नहीं करना चाहती थी। पेजोरेटिव मीन्स इंसल्टिंग, एक्सक्रूशिएटिंग, जीसस क्राइस्ट की उस पेन वाली पिक्चर से रिलेट किया। पेजोरेटिव बच्चों रिलेट किया हमने इंसल्टिंग इस बच्ची के साथ, जो स्कूल नहीं अटेंड करना चाह रही क्योंकि उसके क्लासमेट्स उस पर कुछ ऑब्जेक्शनेबल, कुछ इंसल्टिंग रिमार्क्स देते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट का मतलब होता है रिच। द मैन, लुक एट द मैन, ही सो वेल्दी, द वन हुज किसिंग द कैश, इतना सारा पैसा है इसके पास, ही सो वेल्दी। ट्राई टू रिलेट द वर्ड ऑप्यूलेंट विद पिक्चर। देखिए कुछ बच्चे तो विजुअल वोकैबुलरी के बाद भी याद करने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं याद हो रहा है। बच्चों देखिए इससे ज़्यादा एफर्ट्स, मतलब मैं तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि आपको याद हो जाए। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो एक वर्ड को 5-10 बार बोल बोल करके याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि और तरीका कोई भी बहुत अच्छा आपके लिए
मैंने बताया मैं अपनी तरफ से अच्छा तरीका ला रही हूँ, मेरे हिसाब से आपको वर्ड्स याद होने चाहिए, बट कुछ बच्चे उसके बाद भी नहीं याद कर पाते हैं, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ऑप्यूलेंट का मतलब रिच है, वेल्दी है। ट्राई टू कीप दिस पिक्चर इन माइंड, एज आई सेड जीसस की पिक्चर एक्सक्रूशिएटिंग के साथ जोड़ी है। वर्ड को बार बार बोलिए ताकि वर्ड दिमाग में बैठ जाए, ऐसा ना हो कि एक्सक्रूशिएटिंग आपको बोलने में भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ ऐसा ना हो। पेजोरेटिव वो बच्ची की पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई थी, एंड ऑप्यूलेंट दिस मैन ही सो वेल्दी, एफ्लुएंट है, रिच है। तो आप ऑप्यूलेंट का मतलब होता है वेल्दी। लिकर ट्रेड नीचे सेंटेंस पढ़िए, नहीं तो ये भी हेल्प करेगा। लिकर ट्रेड एंड स्मगलिंग हैव मेड माफिया बॉसेस हाईली ऑप्यूलेंट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। लिकर ट्रेड ने और स्मगलिंग ने माफिया बॉसेस को बहुत रिच बना दिया है लास्ट फ्यू ईयर्स में। ऑप्यूलेंट का मतलब क्या है? रिच है। मेरे रेपिटेशन का पर्पज समझिए। रेपिटेशन देखिए, मैं अगर तेज़ बोल के पढ़ा लूँ वो बहुत आसान है मेरे लिए, मैं आपको ये वीडियो 5 मिनट में ख़त्म कर दूँ, लेकिन फिर वही बात, अगर आपको समझ ही नहीं आया, कोई भी टीचर अगर धीरे पढ़ा रहे हैं उनका पर्पज़ आपको समझाना है। पहला वर्ड हमने पढ़ा था एक्सक्रूशिएटिंग, बाद में पढ़ा पेजोरेटिव, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा ऑप्यूलेंट। नेक्स्ट वर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पॉइनेंट। द वर्ड इज पॉइनेंट। पॉइनेंट ये बच्ची देखिए, एंड शी इज क्राइंग, शी इज वेरी सैड। पॉइनेंट मीन्स सैड। प्रोनंसिएशन पॉइनेंट होता है। बच्ची की पिक्चर से रिलेट करिए, 2 मिनट सोचिए। पॉइनेंट सैड है, बच्चा बहुत दुखी लग रहा है। द डेथ ऑफ अ बिलवड ग्रैंड मदर मेड द यंग गर्ल एक्सट्रीमली पॉइनेंट। बिलवड ग्रैंड मदर की डेथ ने यंग गर्ल को बहुत ज़्यादा सैड कर दिया है। द गर्ल इज क्राइंग राइट नाउ। पॉइनेंट सैड, सोरोफुल, पिटियस, मॉर्नफुल, रेच्ड या फिर मिजरेबल। नेक्स्ट वर्ड देखिए बच्चों, क्लेवॉइंट है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्लेवॉइंट है। क्लेवॉइंट कौन है? ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। जो वर्ड्स मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चों को उनके मीनिंग्स पहले से आते होंगे, बट क्लेवॉइंट ऐसा वर्ड है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं आता है। क्लेवॉइंट का मतलब ये देख रहे हैं, ही इज़ द पर्सन हु सीज द फ्यूचर। अ पर्सन हु क्लेम्स टू हैव द एबिलिटी टू परसीव इवेंट्स इन द फ्यूचर। एक पर्सन जो देख पा रहा है कि फ्यूचर के इवेंट्स, दैट मीन्स वो पर्सन प्रिडिक्ट कर पा रहा है। रीड द वर्ड प्रीसीएंट। प्रोनंसिएशन देखिए, प्रीसीएंट, फॉर्चून टेलर, विजनरी या फिर एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर तो आप जानते हैं, जिसे आप ज्योतिषी कहते हैं, जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाले जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्लेवॉइंट। क्लेवॉइंट का मतलब क्या होता है? एन एस्ट्रोलॉजर। क्लेवॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों? एस्ट्रोलॉजर। सेंटेंस पढ़िए फिर रिलेट करिए। द विलेजर्स बिलीव्ड इन पंडित जी हु क्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी एन एक्सीलेंट क्लेवॉइंट। पंडित जी एक्सीलेंट क्लेवॉइंट होने का क्लेम करते हैं और विलेजर्स उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। दे बिलीव इन, पंडित जी विश्वास करते हैं विलेजर्स पंडित जी में, जो अपने आप को, जो क्लेम करते हैं अपने आप को एक बहुत ही अच्छा ज्योतिषी। नेक्स्ट वर्ड पढ़िए बच्चों, जोवियल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जोवियल। जोवियल का मतलब क्या होता है? हैप्पी। एज यू कैन मेक आउट, यू कैन सी द पिक्चर, ऑल दीज पीपल आर वेरी हैप्पी, ऑल दीज पीपल आर वेरी हैप्पी। जोवियल का मतलब हैप्पी है। अगर आपने अभी वर्ड देखा था पॉइनेंट, पॉइनेंट सैड था, अपने उस बच्ची की पिक्चर के साथ रिलेट किया था। पॉइनेंट मीन सैड है। अब पॉइनेंट को देखेंगे और अगर जोवियल को देखेंगे तो जोवियल का मतलब क्या है? हैप्पी है, फेस्टिव है, गे है, ग्लीफुल है, जोकोज है, जोकंड है, जॉली है। जॉली इज अ वेरी कॉमन वर्ड। जोवियल का मतलब क्या होता है? कोई आदमी बहुत खुश है। देखिए, एंड दीज आर द सिमिलर वर्ड्स, ये ऑपोजिट्स हैं। इसमें एक अच्छा वर्ड है क्रेस्ट फॉलन, इसका ऑपोजिट होता है जोवेल का, एब्जेक्ट।
aggrieved, anguished, blue, broken-hearted, या फिर crestfallen. There was no hint of envy. कोई jealous का hint भी नहीं था. Envy, jealous, to be seen at the reunion, and the atmosphere was quite jovial and friendly. Environment कैसा था? Jovial था और friendly था. Jovial का मतलब क्या होता है? Happy. Look at the faces of these people. They look happy. और ये happy face jovial है. कैसा है ये happy face? Jovial है. Next word देखिए, impediment. पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर बता रही है. आप मूवीज़ देखते होंगे तो आपने कभी सुना होगा, पीपल यूज सच वर्ड्स, इम्पेडिमेंट, यू आर एन इम्पेडिमेंट टू माई ग्रोथ. लोग ऐसा बोलते हैं, इम्पेडिमेंट टू माई ग्रोथ. इम्पेडिमेंट ऑब्स्ट्रक्शन है आप, रुकावट हैं आप मेरी ग्रोथ में, ऐसे डायलॉग्स होते हैं. तो इम्पेडिमेंट टू माई ग्रोथ, रुकावट. इम्पेडिमेंट टू माई ग्रोथ, रुकावट. ये देखिए इम्पेडिमेंट, ये रहे इम्पेडिमेंट्स बेसिकली. तो इम्पेडिमेंट्स हिंडरेंस होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ऑब्स्टिकल होता है, बैरियर होता है. तो इम्पेडिमेंट का मतलब मैंने क्या बताया, जो रुकावट है, जो हर्डल है. ये हर्डल्स हैं बेसिकली, ये हिंडरेंस है जो रोक रहा है, ये बैरियर्स जो हैं बेसिकली इम्पेडिमेंट है. तो कोई कह रहा है यू आर एन इम्पेडिमेंट टू माई ग्रोथ, दैट मीन्स वो आपको रुकावट कह रहा है, आपको कह रहा है आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन है आप. द इम्पेडिमेंट्स कुड नॉट रिड्यूस द स्पीड ऑफ स्प्रिंटर्स, स्प्रिंटर्स भागने वाले, दौड़ने वाले, रनर्स को रेफर कर रहे हैं, कर रहा है ये वर्ड. इम्पेडिमेंट कह रहा है कुड नॉट रिड्यूस द स्पीड ऑफ स्प्रिंटर्स हु हैड ट्रेंड हार्ड फॉर ईयर्स. ये जो इम्पेडिमेंट्स लगाए थे ये रिड्यूस नहीं कर पाए किसकी स्पीड, स्प्रिंटर्स की, दैट मीन्स द रनर्स, जो बहुत टाइम से, जिन्हें ईयर्स से, बहुत ईयर्स से उन्हें ट्रेन किया जा रहा था. तो इम्पेडिमेंट का मतलब रुकावट है. इस पिक्चर को याद रखिए, ये जो भाग रहे हैं ये ऑब्स्ट्रक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, एंड दिस ऑब्स्ट्रक्शन इज व्हाट, दिस इम्पेडिमेंट इज व्हाट, ये इम्पेडिमेंट है, ये हिंडरेंस है, ये बैरियर है. तो दिस बैरियर इज व्हाट, इम्पेडिमेंट. इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है, रुकावट. नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्रोक्रास्टिनेट करना. जैसे बच्चे सोचते हैं आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, आप चीज़ों को क्या करते हैं, फ्यूचर पे टाल देते हैं, उसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट करना. नॉट नाउ, नॉट नाउ, लेटर, विल डू इट लेटर. प्रोक्रास्टिनेट करना, डिले करना, पोस्टपोन करना, डेफर करना, स्टॉल करना, टेम्पराइज करना. एंटोनिम्स. अब सीधी बात है ना, इन चीज़ों में क्या होगा, ये चीज़ें डिले हो जाएंगी. बट एज सून एज यू एक्सेलरेटेड, परसिस्ट, हैसन या फिर एक्सपेडाइटेड, तो चीज़ें तेज़ हो जाएंगी. प्रोक्रास्टिनेट करना, चीज़ों को आगे के लिए टाल देना, लेटर. मोस्ट पीपल हैव अ टेंडेंसी टू प्रोक्रास्टिनेट व्हेन इट कम्स टू अ फाइलिंग, कम्स टू फाइलिंग देयर टैक्स रिटर्न्स. तो लोगों की टेंडेंसी कैसी है, लोगों की टेंडेंसी है चीज़ों को टाल देते हैं. अब यहाँ पर टालना किन टर्म्स में था, टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के सेंस में, जो कि बहुत ठीक भी है. टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की टेंडेंसी लोगों की कैसी है इन चीज़ों के अंदर, दे प्रोक्रास्टिनेटेड, मतलब कल करेंगे, परसों करेंगे, वो सब प्रोक्रास्टिनेशन का एग्जांपल है. प्रोक्रास्टिनेट करना बच्चों, डिले करना, चीज़ों को आगे के लिए टाल देना. नेक्स्ट वर्ड, कैमरेडरी, फ्रेंडशिप. यू कैन सी द पिक्चर, these two hands, they're showing you the example of friendship. तो friendship, comradeship, fellowship, companionship, opposite, forlornness. ये basically forlorn का मतलब अकेला होता है, loneliness है, lonesomeness है. Sentence पढ़िए, everybody admired the fabulous camaraderie that existed between the two dance partners. दो डांस पार्टनर्स के बीच की कैमरेडरी, उसे क्या किया जा रहा है, हर कोई क्या कर रहा है, उस फैबुलस कैमरेडरी को एडमायर कर रहा है. कैमरेडरी, फ्रेंडशिप. नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, मेंडेशियस. मैंने एक वीडियो के अंदर, अगर आपने कोई प्रीवियस वीडियो देखा हो मेरा, जिसमें मैंने एक वर्ड पढ़ाया था वेरासिटी. वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस. ट्रूथफुलनेस वेरासिटी था, ट्रूथफुल होना वेरासिटी था. तो वेरासियस था, वेरासियस ट्रूथफुलनेस. तो मेरा कहने का बेसिकली मतलब क्या है,
वेरासिटी सच था, मिंडासिटी वेरासिटी का उल्टा होता है, मिंडासिटी का मतलब झूठ वाला है, तो मिंडेशियस अनट्रूथफुल है। मैंने कहा अगर आपने प्रीवियस कोई वीडियो देखा था, अगर आपको वो वर्ड याद है, तो वेरासिटी मैंने पढ़ाया है एक वीडियो के अंदर, तो वेरासिटी मिंडेशियस, वेरासिटी मिंडासिटी, वेरासिटी मिंडासिटी, ये वर्ड ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। वेरासिटी सच्चाई वाला है, सच वाला है, मिंडासिटी झूठ वाला है, तो अनट्रूथफुल मिंडेशियस है, डिसीटफुल है, फॉल्स है, लाइंग है, डिसऑनेस्ट है। इनकी पिक्चर देखिए ना, पीठ पीछे कुछ और हैं, सामने कुछ और कर रहे हैं, एक दूसरे से ऑनेस्ट नहीं हैं, झूठे हैं ये एकदम, मेंडेशियस लाइंग है, डिसऑनेस्ट है। ऑपोजिट ऑब्वियसली बात है, फिर ऑनेस्ट हो जाएगा, ट्रूथफुल हो जाएगा, विराशियस हो जाएगा। तो मैंने कहा मिंडेशियस और विराशियस एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं। विरासिटी मिंडासिटी बहुत कॉमन सा है, जिसमें विरासिटी में सच बोलते हैं और मिंडासिटी में झूठ। बिवेयर ऑफ मिंडेशियस कलीग्स हु प्रिपेयर टू बी वेल मीनिंग एंड स्वीट। मिंडेशियस कलीग्स झूठे कलीग्स, उनसे क्या रहना है आपको, बिवेयर, सावधान रहिए। जो कैसे प्रिटेंड करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप उनसे बिवेयर रहिए। मिंडेशियस क्या है, अनट्रूथफुल है, झूठा है। नेक्स्ट वर्ड पढ़िए, इम्पेक्यूनियस। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर क्या कह रही है, दोनों की पॉकेट, दिस मैन डज नॉट हैव एनीथिंग इन हिज पॉकेट्स, कुछ नहीं है पॉकेट में इसकी, खाली हैं इसकी पॉकेट्स, इम्पेक्यूनियस। आपको याद आ रहा हो, आज हमने एक और वर्ड पढ़ा था जो इसका ऑपोजिट था, ऑप्यूलेंट, वेयर द मैन वॉज किसिंग द कैश। ऑप्यूलेंट रिच है, इम्पेक्यूनियस ऑप्यूलेंट का ऑपोजिट है। ऑप्यूलेंट में आपके पास बहुत पैसा है, इम्पेक्यूनियस में यू डोंट हैव मनी, इम्पेक्यूनियस खाली पॉकेट है इसकी। देख लीजिए, रिलेट द वर्ड इम्पेक्यूनियस। हो सकता है आपको वीडियो को दोबारा देखना पड़े, वीडियो को सेव कर लीजिएगा, हो सकता है ज़रूरत पड़े, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स से पहले लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर आप वोकैबुलरी या फिर कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स रिवाइज करके जाना चाहते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। तो लास्ट मोमेंट रिविज़न के लिए वीडियोज़ शायद आपके काम आएंगे। इम्पेक्यूनियस बच्चों, ऐसा आदमी जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, पेनीलेस, पुअर, पेनीलेस, जिसके पास पेनी नहीं, इंडिजेंट है, इंसॉल्वेंट है, डेस्टिट्यूट है, पेन्यूरियस है, दीज आर द सिमिलर वर्ड्स फॉर द वर्ड इम्पेक्यूनियस। ऑपोजिट देखिए, एफ्लुएंट, वही जो ऑप्यूलेंट में आपने पढ़ा था, डीप पॉकेटेड है और ऑप्यूलेंट है, ये वर्ड आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पिक्चर के साथ पढ़ाया था। द इम्पेक्यूनियस ट्रैश कलेक्टर, एक गरीब ट्रैश कलेक्टर है जो लकी रहा, गॉट लकी, क्यों, वॉज एबल टू मैरी अ वेल्दी वुमन, बिकॉज वो एक वेल्दी वुमन से शादी कर पाया। तो इम्पेक्यूनियस ट्रैश कलेक्टर, गरीब कूड़ा पिक करने वाला, तो इम्पेक्यूनियस मैंने बोला पुअर है, इंडिजेंट है। अभी रैप अप कर रहे हैं बच्चों, अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। थैंक यू सो मच।